चलिए जी, अब हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया उन लोगों के लिए यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो हमारा फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ वी सी तो फर्स्ट मैप में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। जब दो ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्राइटेरिया क्या होगा, this will be a criteria which is known as what, by triple A criteria. So angle criteria. Very good, this is by angle criteria, right? ये आप सबको clear हो गया होगा कि by triple A criteria. Number two, ये देता है हमारे पास, अब देखें यहाँ पे इसने क्या दिया है, इसने साइड दी गई है, राइट। अब आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो क्या देखनी है, हमारे पास यहाँ पे जो साइड्स हैं वो क्या है, 2, 3 एंड 2.5, वेयर एज जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें क्या दिया हुआ है, 6, 4 एंड 5। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से देखें, अगर आपको बस ये चीज दिखनी चाहिए, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 एंड 2.5 का डबल 5। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, हियर ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फिर बी सी अपॉन पी आर, ठीक है, बी सी अपॉन हम आर पी लिख देते हैं, जस्ट ए सेकेंड, यस हम आर पी लिख देंगे यहां पे, दिस इज 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अगेन, एंड देन वी आर हैविंग अनदर वन, ए सी अपॉन पी क्यू। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको भी हम ए सी अपॉन क्यू पी, पी क्यू नहीं लिखेंगे, हम इसको क्यू पी लिखेंगे। यही चीज हमने सीखनी है, 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ गया ए बी अपॉन क्यू आर। देखें यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है, इस तरह से चल रहा है ए बी देन बी सी, है ना। तो यहां पर भी हम ऐसे चलेंगे, क्यू आर प्लस आर पी, ऐसे चलेंगे। तो जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में ये चलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू, ठीक है, अब इक्वल्स टू हमने आर पी तो लिया, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, मैंने तीसरी चीज लिखी ए सी, यानी ऑपोजिट साइड पे ए सी, ऐसे। तो इसलिए मैं यहां पर भी QP ले रहा हूं। देखें ये चीज बड़े ध्यान देने वाली है, मैंने यहां पे AC लिया इस तरह से, पहले मैं इसको इस तरह से ले रहा था, अब मैंने उसके ऑपोजिट साइड पे लिया। सिमिलरली जब मैं यहां पर भी लूंगा तो मैं इसके ऑपोजिट साइड पे लूंगा, पहले मैंने ये वाला ऑर्डर लिया, अब मैं ये ऑर्डर लूंगा। तो दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन QP इक्वल्स टू 1/2,
therefore triangle ABC. अब देखें इसको कैसे ध्यान देना आपने, मैंने इसको ऐसे देखा, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, ये A B एंड B C तो ABC, सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा Q R R P, तो दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी. अब मैं इसको पी क्यू आर नहीं लिखूंगा जैसे मैंने पिछले उसमें लिखा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस जो बन रही है वो ट्राइंगल क्यू आर पी के साथ बन रही है, ठीक है, क्यू आर पी के साथ. तो क्यू आर पी बाय एस 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 क्राइटेरिया. अब ये क्राइटेरिया क्या था, एस 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 क्राइटेरिया. So this is how we can find out the okay. So this is how we will be able to do this, right? चलिए जी, ये हमारे पास आ गया. We have got two questions, right? अब ना एक part आप करेंगे, this part third will be done by you. Then I will go ahead with the next question. शाबाश, part third आप try करेंगे, फिर मैं आगे try करूंगा आपके साथ बात करूंगा. आपने देखा 2 का double 4 है, यानी आपने इन दोनों sides का ratio मिल गया. आपने देखा 3 का ratio 6 के साथ भी 1/2 बन रहा है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा था जिसने गलत कर दिया, तो इसलिए हम इसको लेके नहीं चल सकते. तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है. तो ये चीज आपने हमेशा इसको चेक करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, राइट. आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग. वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, पार्ट फोर्थ में वी हैव सीन एंगल NML इज इक्वल्स टू एंगल PQR. Also, ये जो इनकी दो साइड्स हैं, कल हमारी इसके ऊपर बड़ी बात हुई थी, ये जो इसकी साइड्स हैं 2.5 एंड 5 वाली, दे आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स दिस एंड दिस. अब आप इस तरह से देखेंगे, MN जो है वो प्रोपोर्शनल है QP के, ठीक है, NM जो है वो QP के है, और ये जो ML है वो QR के सिमिलर है. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, NM अपॉन, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं कि NM जो है वो एंगल की तरफ जा रहा है. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि ये जो है ये N से एंगल की तरफ जा रहा है. यू आर लुकिंग एट दिस, NM क्यों लिखा, क्योंकि एंगल की तरफ जा रहा है. सिमिलरली हम लोग यहां पर भी जो लेंगे, हम लोग उसको क्या लेंगे, हम उसको भी P से Q की तरफ लेंगे, ये ध्यान रखना है. तो NM अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. सिमिलरली NM की अगर हम बात करेंगे तो ये आ रहा है, फिर इधर बात करेंगे तो LM अपॉन RQ. देखो अब हम फिर से, हमने एंगल की तरफ जा रहे हैं, L से M की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम R से Q की तरफ जाएंगे. तो LM अपॉन RQ इज 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, दिस इंप्लाइज दैट NM अपॉन PQ इज इक्वल्स टू LM अपॉन RQ इज इक्वल्स टू 1/2. बड़ा सिंपल सी थ्योरी है इसको देखने के लिए. यहां पे देखें, ये तीन चीजें आ रही हैं, N, M और L, और फिर ये M रिपीट हो रहा है आगे. यहां पर आ रहा है P, Q, R, और फिर ये Q रिपीट हो रहा है आगे. तो ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है. तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर NML इज सिमिलर टू, सॉरी, ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया.
तो बाय एसएएस क्राइटेरिया दिस इज सिमिलर, तो हमारे पास दिस पार्ट इज डन। ठीक है, अब आप मेरे लिए करेंगे पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। शाबाश, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओके, एंगल बीओसी इज 125 डिग्री, एंगल सीडीओ इज 70 डिग्री, फाइंड एंगल डीओसी, ओके, बिल्कुल निकाल लेंगे जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, एंड एंगल डीसीओ ये भी निकाल लेंगे, और एंगल ओएबी, ओके, चलिए जी कोई बात नहीं, मैं जरा इसकी फिगर को एक बार दोबारा से ले लेते हैं। यस, आप देखें जी ये फिगर है यहाँ पे, अब इसने हमें क्या बोला, ध्यान से समझना, इसने बोला है, इसने ऑलरेडी गिवन है हियर ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओसी। अब देखें, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ध्यान से देखना, एंगल ओडीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीए। हाँ, तभी मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही थी, आई एम सो सॉरी, एंगल ओबीए, तो देयरफॉर एंगल ओडीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीए, ये तो वैसे इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। अब देखें, मैं जैसे जैसे इसका ऑर्डर लूंगा ना, एंगल डीसीओ, वैसे वैसे बीएओ लूंगा, एंड जैसे एंगल एओबी इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल एओबी। ठीक है, इसको आप ले लीजिए 1, इसको आप 2 लिख लीजिए, इसको आप 3 लिख लीजिए, एंड हमारे पास क्या है, सिंस बीडी इज ए लाइन, दिख रही है आपको, बीडी एक लाइन है, देयरफॉर एंगल BOC plus angle COD is equals to 180 degree. Angle BOC is 125 degree. Plus angle COD is equals to 180 degree. Linear pair. ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों लिखा, ये लिखा This is by linear pair. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ अपनी जूनियर क्लासेस में, तो ये आपने भूलना नहीं है। देखो कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है, ये उसका एक एग्जांपल है, 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल सीओडी, एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब मेरे पास एंगल सी पता नहीं है, लेकिन एंगल ओ अभी अभी हम लोगों ने निकाला 55 डिग्री, एंगल डी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 70 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज दैट इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास एंगल सी प्लस 125 degree is equals to 180 degree, angle C is also equals to 180 minus 125 degree equals to 55 degree. अब इसने हमसे पूछा क्या क्या, इसने पूछा है एंगल DOC, तो DOC तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, या COD हमने निकाल दिया है,
एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये तुमने ऑलरेडी निकाल दिया। फिर इसने हमसे पूछा एंगल डी सी ओ, डी सी ओ वाह ये भी हम लोगों ने निकाल दिया, एंगल डी सी ओ इज 55 डिग्री। और फिर तीसरी बात ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ओके। अब देखें हमारे पास यहां पे हमारे को पता है कि सिंस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ और इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, ए बीच में आना चाहिए, तो एंगल बी ए ओ को ही हम एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो मजेदार बात रही, तीनों के तीनों एंगल जो है हमारे पास ये 55 डिग्री है। इट इज सो सिंपल, ये हम लोगों को कहां से मिला, ये हम लोगों को मिला फ्रॉम टू, तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर दिया, राइट। तो इसको आप नोट करेंगे एंड ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आज आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आई विल डू इट फॉर यू टुमारो, लेकिन आज आप इसको एक बार पहले ट्राई जरूर करेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देन थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। जल्दी से नोट करें, शाबाश। आज के लिए इतने रखेंगे, कल मिलते हैं, आगे चलेंगे एंड और ज्यादा पढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। जय हिंद सर।